हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वेट लॉस के लिए 5 तरीके की टी बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टी हम बनाएंगे लेमन जिंजर टी। उसके लिए हमने 1 कप पानी ले लिया है। पानी को हम बॉईल कर लेते हैं। हमने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से क्रश हो गया है। अब हम पानी में अदरक डाल देते हैं, बॉईल कर लेंगे अच्छे से। 5 टी बनाएंगे हम। 5 में से आप कोई भी एक टी बना के पी सकते हैं, उससे वेट लॉस होता है। जरूर ट्राई करें। पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे अदरक डालने के बाद। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। हमारी जिंजर लेमन टी रेडी हो चुकी है। अब पानी को हम छान लेंगे कप में। अब हम 1/2 नींबू लिया है हमने, 1/2 नींबू हम डाल लेंगे। जिंजर लेमन टी हमारी रेडी है। अब हम बनाएंगे सिनेमन टी। उसके लिए हमने 1 कप पानी ले लिया है। गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे। हमने एक दालचीनी की स्टिक ली है। अगर आपके पास पिसा हुआ दालचीनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तोड़ तोड़ कर डाल देंगे और अच्छे से उबाल लेंगे 4-5 मिनट तक। दालचीनी हमारी अच्छे से बॉइल्ड हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम छान लेते हैं। आप खाली पेट या फिर ब्रेकफास्ट के बाद आप इस चाय को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा वेट लॉस होगा। अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें हनी ऐड कर लेंगे 1 चम्मच। अब थोड़ा ठंडा हो गया है, हम 1 चम्मच हनी मिला लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। ये हमारी सिनेमन टी रेडी है। अब हम बनाएंगे ब्लैक टी। उसके लिए हमने एक पैन में 1 कप पानी ले लिया है। पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 1/2 इंच हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसको हमने धो लिया है अच्छे से। इसको भी हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। अच्छे से हमने अदरक को क्रश कर लिया है। 2 इलायची ले लेंगे। 2-3 हम काली मिर्च ले लेते हैं। इसको भी अदरक में अच्छे से कूट लेंगे। पानी भी बॉइल्ड हो गया है। अब हम ये अदरक और इलायची काली मिर्च डाल देते हैं। अच्छे से बॉइल्ड कर लेंगे फिर से। 1/2 चम्मच हम चाय की पत्ती डाल देंगे। बॉइल्ड कर लेंगे सब कुछ अच्छे से। सब चीज़ हमारी अच्छे से बॉइल्ड हो गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। ब्लैक टी हमारी रेडी है। अब हम कप में छान लेते हैं। आप चाहें तो इसमें भी आप हनी मिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा ठंडा होने पर आप ज़रूर ट्राई करें ये टी। 15 दिन में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम बनाएंगे जीरा पानी। ये आपको रात को ही भिगो कर रख देना है। अगर आप रात को भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप सुबह को भी भिगो सकते हैं। हमें 1 गिलास पानी में 1/2 चम्मच जीरा भिगोना है। जब 1 गिलास से पानी हमारा 1 कप हो जाए तब तक हमें इसको बॉइल करना है। जीरा पानी हमारा अच्छे से बॉइल्ड हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। अब हम छान लेते हैं जीरा पानी को। जीरा पानी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको एंजॉय करें। जीरा पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। जीरे में आयरन भी होता है। लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है जीरा। जरूर ट्राई करें जीरा टी। अब बनाएंगे हम ब्लैक कॉफी। उसके लिए हमने 1 कप पानी ले लिया है। आपने ब्लैक कॉफ़ी तो काफ़ी बार बनाई होगी। अगर इस तरीके से आप ब्लैक कॉफ़ी बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। आप ज़रूर ट्राई करें जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। हम 2 इलायची ले लेंगे। इलायची को अच्छे से कूट लेते हैं। पानी हमारा बॉइल्ड हो चुका है। छोटी सी हम दालचीनी स्टिक डाल देंगे और 2 इलायची डाल रहे हैं हम। लौंग हो तो आप लौंग भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप बना के देखें ब्लैक कॉफ़ी। अगर आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है या फिर लेजी लेजी से महसूस होता है, आप ब्लैक कॉफ़ी इस तरीके से बना के पिएं। आपका एक्सरसाइज करने का भी मन करेगा और पूरे दिन आप एक्टिव भी रहेंगे। लेकिन आप दिन में 2 ही बार ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच हम कॉफ़ी डाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये कॉफ़ी, मेरी तो फेवरेट है। आप भी ट्राई करें। अच्छे से बॉइल्ड कर लेंगे सब कुछ। आप कॉफ़ी को 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह में और शाम के टाइम। रात को ना लें। 5 बजे के बाद कॉफ़ी हमें नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो फिर नींद आने में दिक्कत होती है। कॉफ़ी हमारी अच्छे से बॉइल्ड हो गई है। हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। हम कॉफ़ी को छान लेते हैं। आपको इसमें शुगर ऐड नहीं करनी है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच हनी ऐड कर सकते हैं हल्की सी ठंडी होने पर। 5 तरीके की वेट लॉस टी हमारी रेडी है। आप कोई भी टी इसमें से ले सकते हैं या फिर बदल बदल के भी ले सकते हैं हर रोज, और आपका वेट लॉस जरूर होगा। 15 दिन में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप ऐसी टी बना के एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।